24 का चौसर। गो पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बाटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर। नजदीकी डीलर पर जाएं, यूटीएल सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। देश का सबसे पसंदीदा शो, माहौल क्या है, मनोज वाजपेयी क्यों करना चाहते हैं, पत्रकार राजीव रंजन का रोल। न्यूज चैनल देखते हैं आप? न्यूज चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खबरों के बारे में जब जानना होता है तो कहां फिर फॉलो करते हैं? फोन पे। फोन पे जो एप्स आती हैं, हाँ, उसमें बहुत सारे जो जिनके राइटिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे, उनके उनके उनको मैं देख लेता। इनके इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज्यादा, राजीव रंजन का, राजीव जी का। माहौल क्या है जी, बहुत प्यारी। माहौल क्या है, बहुत बहुत प्यारा इनका इंटरव्यू होता है लोगों से, और जिस तरह से लोग आके इनसे बात करते हैं, मैं इनका रोल करना चाहूँगा। नहीं सच में, ये वो पत्रकार हैं जो सच में पत्रकार लगते हैं। लगता है जैसे कि ऐसे ही चौराहे पे खड़ा होके कोई बतकही चल रही है वहाँ पे। और मुझे पता था क्योंकि आप जमीन से जुड़े आदमी हैं जी, इसीलिए आपको राजीव रंजन जब माहौल क्या है जमीन पर पूछते हैं, जमीन से जुड़े आदमी से, तब आप रिलेट कर पाते। नहीं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है, जमीन पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत पत्रकार हैं काम करते हैं, उनको भी देखते हैं हम। इनका क्या है कि वो उस आदमी को इस तरह से इजी करते हैं ये, और खुद डिफरेंट नहीं लगते हैं, उनके जैसा ही लगते हैं ये। और उस वो आदमी ऐसी सी बातें बताना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है जो कि आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है राजीव को आज, क्या आप फिल्मों में राजीव रंजन का रोल करना चाहेंगे? मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ उसी को बयां कर रहा हूँ। मतलब मैं कौन होता हूँ, आप लोग अपने बारे में, अपने क्राफ्ट के बारे में, पत्रकारिता के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं जो देख रहा होता हूँ तो मैं एक एक्टर के तौर पे मैं देख रहा होता हूँ कि इसमें से क्या यूज़ किया जाएगा। पर जब मनोज वाजपेयी कहते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, उसी में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो तारीफ मिलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी तारीफ है, आप जैसा एक्टर मेरे प्रोग्राम को देखता। इसीलिए तो कहते हैं चुनाव मतलब न्यूज 24। नमस्कार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बगल वाले लोकसभा क्षेत्र चंदौली में आया हूँ। चकिया एक बहुत फेमस यहाँ का मार्केट भी है, बाजार भी है, तहसील भी है। राजनाथ सिंह का घर, हाँ, वही मैं बोल नहीं जा रहा था। देश के रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह का ये इलाका जहाँ मैं बैठा हूँ, उनका गांव बिल्कुल पास में ही है, और ये बाजार है। मैं एक पान की दुकान पर यह जानने के लिए आया हूँ कि देश के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त सियासत को लेकर क्या चर्चा चल रही है, माहौल क्या है। वैसे चंदौली लोकसभा सीट बनारस से सटी हुई सीट होने के बावजूद 2019 में महेंद्र नाथ पांडे को ये सीट जीतने में नाको चने चबाने पड़े थे, सिर्फ 14,000 वोटों से उनको जीत मिली थी। सपा बसपा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने बड़ी तगड़ी टक्कर दी थी। अब इस इलाके में, खासकर ग्रामीण इलाके में माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं एक चाय पान की दुकान के सामने, कुछ लोग शाम को बैठे थे चट्टी चौराहे पर, गांव देहात से निकलकर आने का एक प्रचलन इस पूरे इलाके में है, तो मैंने सोचा कुछ यहीं से चर्चा शुरू की जाए। तो आप क्या करते हैं? मैं एक समाजसेवी हूँ, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। माहौल के बारे में अगर पूछा जाए माननीय नरेंद्र मोदी के लिए, एक पक्षी राजनीति कर रहे हैं, समाज में जो है एक ऐसा विघटन डाल रहे हैं कि पूछिए मत। कैसे? समाज को इतना बुरा बना दिए हैं, इतनी गंदी राजनीति हो गई है इस देश की। विकास के बारे में हम पूछेंगे तो विकास कुछ नहीं, वो तो होता ही रहता, हर जगह हुआ है। अच्छा, ये विकास पहले भी हुआ? विकास हमेशा हुआ है, विकास देश में कोई भी सरकार आई हो हमेशा विकास हुआ है।
इतना बनारस का विकास हुआ? इनके आने के बाद जातिवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पनप गया है, ये मैं कह रहा हूँ। इनके आने पर जातिवाद आया कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां थी ये जातिवाद इनके आने पे आया है बहुत ज्यादा। पहले तो थी, थोड़ा बहुत था, ये नहीं है कि नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद जो इतना विकास हो गया जातिवाद का कि पूछिए मत। गरीब लोग जो है बहुत परेशान है, सबको अनाज नहीं, जनता इतनी परेशान है कहने कोई बात नहीं, अनाज नहीं मिल रहा। अरे अनाज से क्या मिलने वाला, अनाज सबको दे दोगे क्या होगा, अनाज से कुछ नहीं होने वाला। मानवता, शिष्टाचार, भाईचारा का प्रेम भाव, ये मेन है। अरे यार ठाकुर साहब, सब लोग कहते हैं कि समर्थ है एकदम भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरे यही बात आप जो है आप बोले हैं, यही बात आप जो बोले ना, यही बात मैं बोल दिया, आपके मुख से निकल गया ना समर्थ जो है भारतीय जनता पार्टी के। वो लोग कहते हैं ना कि ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार पंडित, नहीं लोग नहीं कहते, आप कह रहे हो। इसी तरह से लोग जो फैलाए हुए हैं, इस देश को जो बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। मैं एक राजपूत होने के नाते मैं कह रहा हूँ और गर्व से कह रहा हूँ। अरे हम खुद ही जाते हैं हर जगह देखते हैं। अरे आप लोग इसी तरह चर्चा करते हैं। यही तो बात है, जितनी मीडिया है, जितना पेपर वाले हैं, सब जो है उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं, उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। जो आप गा रहे हो, अभी जो आप कह रहे हो, हम गुणगान गा रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि फॉरवर्ड्स तो इस वक्त एकदम बीजेपी का, पहले भी थे बीजेपी के साथ, पहले नहीं थे, पहले कांग्रेस के साथ थे, सपा के साथ आए, ये नहीं थे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जब तक रही देश में और तब तक सवर्णों का जो है वर्चस्व रहा, अब नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। देख लो बीजेपी जो कितने सीट दी है सवर्णों को, क्षत्रियों को कितनी सीट दी है, बीके सिंह का कार्ड दिया, बोले झारखंड में नहीं दी, एक भी सीट नहीं दी। क्या बोलोगे आप, क्या मोदी जी का गुणगान गाइए बस। एक बार सुनिए आप लोग, झारखंड के सुशील सिंह का कट गया, पीएन सिंह का कट गया, यहाँ चकिया में बैठ के आपको राजपूतों के वो टिकट कटने का जानकारी है, गाजियाबाद की जानकारी है, हमसे कह रहे हैं कि हम जातिवाद बोल रहे थे। अरे आप बोले सवर्णों का जो वो देख रहे, आप ही अपने मुख से ही बोले हैं, मैं तो नहीं, ये समाज सुन रहा है, हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं, ये तो हम नहीं, आप ही बोले हो। हम ये कहे कि लोग ठाकुर साहब, आप बात है कि जो उधर से चलता है वही आप लोग कहते हो, ये मैं नहीं बोलूंगा कौन कहता है, कौन सुनता है, कौन क्या करता है। अरे हम तो ये कहे कि यार आप राजपूत हो करके, ज्यादातर ऐसा माना जा रहा है कि राजपूत लोग, ये जरूरी नहीं है कि मैं राजपूत हूँ तो उन्हीं के साथ रहूंगा, जो सत्य है सत्य के साथ रहूंगा बस। सच के आप कांग्रेसी हैं? नहीं, कोई पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी भी पार्टी से नहीं। बहरहाल ये बताएंगे कि क्या इस बार 2024 के गांव वाले हैं, जाने वाले हैं, खुद कह रहे हैं आने वाले, आप भूल जाइए, वो जाने वाले हैं, पूछ लीजिए, यही पे है भाई बंधु है, सत्य बोल रहे हैं। बताओ ये जो बोल रहे हैं आप, इनकी बात से कुछ इत्तेफाक रखिए, पर अपना अलग अलग मत है जो, आपका क्या है? अरे मत क्या है, 100% आ रहे हैं, जो 100% आ रहे हैं भाई, कोई काटा नहीं है उसका देश में, कोई काट नहीं है देश में उसका। क्या कह रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं, उनकी मानसिकता है और क्या कह रहे हैं कि बहुत विभाजन हो गया, विभाजन हो गया जो है समाज, विभाजन हो गया। अब देखिए कोई रिजल्ट बता देगा जो है, विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ रिजल्ट बता देगा। नहीं ये कह रहे हैं कि देश में ऐसा माहौल कभी नहीं, अरे नहीं ऐसा क्या माहौल था, जो देश में आज 70-80 साल में हुआ वो देश में हो रहा है, किसी सरकार ने नहीं किया उसको पल किया जो है, देश कहाँ से कहाँ जा रही है जो है, देश कहाँ से कहाँ जा रही है इसके बारे में जनता नहीं सोच रही है। ये क्या कह रहे हैं, जातिवाद बढ़ावा दिया, कहाँ जातिवाद बढ़ावा, कौन बढ़ावा भाई, सबको प्रतिनिधि नहीं देंगे तो कौन आपके साथ रहेगा, प्रतिनिधि तो सबको देना पड़ेगा ना। आपका नाम क्या? हरिचंद श्रीवास्तव। अरे हमारे फायदा हो जाए ना, देश के फायदा हो बस। कौन सरकार है जिसमें श्रीवास्तव जी लोग को फायदा नहीं है, कलमिया तो थोड़े लोग चलाओ थोड़े, ठीक है ना, ठीक मानसिकता है ना। अरे हम कह ठीक है कि नहीं है, उनको जो बोलना था बोले,
हम तो यही उनसे बोले कि अरे आप जो है उल्टा गंगा बहा रहे। उल्टा गंगा बहा रहे, उल्टा गंगा माने कि जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि फॉरवर्ड लोग बीजेपी मानसिकता के हैं, ये जो पीडीए अखिलेश यादव कहते हैं वो क्या है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो चुनाव बता देगा, रिजल्ट आ रहा है सामने आपके जो है, सारा पोलिंग एजेंट देख रहे हैं, जितने भी एग्जिट पोल है सब इसको फेवर में है जो है। कुछ बड़ा एग्जिट पोल के तहत हर में मंगालों में एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रही थी, कर्नाटकों में बीजेपी की गलत भी हर जगह सही है थोड़ो है ब्रह्म हो गया यही ना, ज्यादातर क्या हुआ तो फेवर में गया। अच्छा एक बार बताओ, राजनाथ सिंह इस इलाके में काम धाम करे कि नहीं? अरे क्या काम करे, जहाँ बाबा काम करे उतरे काफी बात, जहाँ बाबा काम करे उतरे काफी बात, लेना सीआरपीएफ सेंटर खोल देना पूरा क्षेत्र एरिया बदे। महेंद्र पांडे वो काम कर रहा है गुरु जी से हाई चाहिए। बताइए गुरु जी, बताओ जी। मैं इस भारत का एक नागरिक हूँ और भारतीयता हमारे अंदर भरी हुई है, और भारतीय होने के नाते जो है मैं इस देश के प्रति जो है कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप कहना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ जो है बनाई गई है, आज जैसे रेल है, जेल है, खेल है, कोई भी संस्था अगर बनाई गई है तो उस संस्था से सरकारी कर्मचारी को या सरकार को घाटा हो रहा है और वहीं प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है तो फायदा हो रहा है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास न गुंडे जाएंगे, न उनके पास कोई राजनीतिज्ञ जाएगा चंदा लेने, न उनके पास प्रशासन जो है जाएगा, प्राइवेट आदमी को सारे लोग परेशान करेंगे। उसके बाद भी जितनी संस्थाएं हैं लीज पर दी जा रही हैं, लीज का मतलब क्या होता है? हमको राफेल से तो कोई मतलब है नहीं, हमें सरकार से तो मतलब ये है, विकास की बात है। अगर एक अपराधी होगा वही ना राइफल और बंदूक पिस्टल के विषय में जानेगा। हमको देश चलाना है तो हम भारतीय हैं तो जिस प्रजातंत्र को लेकर के चलते हैं, जब प्रजातंत्र हमारे साथ है तो राफेल की क्या ज़रूरत है या फाइटर प्लेन की क्या ज़रूरत है? हम तो अपने जनमानस से जो है लड़ेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। और आज ये जो ईडी का छापा हुआ या आपका जो है सीबीआई का छापा हुआ, हम कह रहे हैं कि आज 90 दिन का, आज इतने दिनों से जो है जांच चल रही है। ईडी का मतलब होता है 90 दिन, उसके जांच का दायरा 90 दिन होता है। 90 दिन के अंदर जो है ईडी को यह पावर है कि अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप देगा। आज 2 साल से मामला शराब घोटाला चल रहा है। जब चुनाव आया जो है तो शराब घोटाला का जो है प्रश्न उठ गया। ईडी जा रही है, ईडी हर लोगों के यहाँ जा रही है, जो अच्छे लोग हैं। हम अगर विरोध करते हैं तो हम ईडी के शिकार होंगे। जब तक जो है सत्ता पक्ष से विपक्ष का होना, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने यह बार बार कहा करते थे कि मैं सत्ता में हूँ लेकिन मुझसे जो है विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये माननीय अटल बिहारी वो भी भाजपा चलाते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी चलाया जा रहा है तो क्या कह रहा है कि सत्ता विहीन कर दो, विपक्ष विहीन कर दो, इस पार्टी का अंत कर दो, उस पार्टी का। एक प्रधानमंत्री अगर बोलता है कि कांग्रेस को देश से सफाया कर दो, यह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री का मतलब पूरे देश का है। अगर पार्टी, अगर विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी बातों को आप सुनिए, लोकसभा हो या विधानसभा में हो, अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बातों को जो है ढंग से सुनिए और उनका आप जो है मतलब जवाब दीजिए। बाबू जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो जो है वैसे इंटरनेशनल गुरु कहते हैं, लेकिन जो है मैं पाठक जी हूँ। और इंटरनेशनल गुरु का है? हाँ, इंटरनेशनल गुरु इसलिए कहते हैं कि मेरी सारी लाइफ जो है देश विदेश के ही विषय में मैं सोचते ही, और मैं ये आज तक किसी पद पर नहीं हुआ। ए वाई सी सी का सदस्य आज जन्म जो है, जब माननीय इंदिरा गांधी कांग्रेसी है, हाँ कांग्रेसी है नहीं, हम भारतीय हैं, कांग्रेस तो हमारी पार्टी है, अभी भी है, हाँ हाँ आज भी है। हमें कांग्रेस इंटरनेशनल गुरु तो अब
मैं तभी जो है कांग्रेस को भी मानूंगा, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन वह भारत के विषय में अगर सोचेगा तब, अगर भारत के विषय में उसकी विचारधारा अलग है, भारत को अगर विभाजित कर रहा है। गांव में कांग्रेसी बचे हैं ये जान के हमको, कांग्रेसी बचे हैं ये बताइए कि जंगल में शेर कहीं होता है कि हजारों होते हैं? वहाँ तो हर जातियाँ हैं, हर प्रजातियाँ हैं, जो है जंगल का शेर तो एक ही होता है ना। पार्टी कोई बुरा नहीं होती, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, हमको जो है इस जनाधार से मतलब नहीं है। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना यह जनता का प्रश्न होता है, ये नेता का प्रश्न नहीं होता है। इंदिरा गांधी चुनाव हारी जब रायबरेली में, तो 4 बजे भोर तक जो है विदेशी इंटेलिजेंसियाँ भी उनके विषय में नहीं बोल पाई कि इंदिरा जी चुनाव हार गई। जब यहाँ का जो है BBC लंदन बोला, तब उस समय जो है इंदिरा जी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ और विश्व के लोग जो है हमारे प्रजातंत्र प्रणाली से यह सीख लें कि बारे भारतीयता कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र मजबूत है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र दो होता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि सारे लोग हैं, और लोकतंत्र में हम जिसको चुनते हैं, जो हम चुन करके भेजते हैं जो है, वो लोकतंत्र की परिभाषा। आज जो है देश में जात धर्म मंदिर मस्जिद सब लोग ठेका बना करके अपना जो है कार्य कर रहे हैं। मंदिर में ताला तो कांग्रेस ने खुलवाई थी। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, यही तो कांग्रेस ने किया जो है कि ताला खुलवा दिया और शिलान्यास करा करके कोर्ट को दे दिया। कांग्रेस ने तो यही नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनाने का काम तो कोर्ट का हो गया ना, कोर्ट ने कहेगा कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो हमारा व्यक्तिगत विषय या प्रजातंत्र। ताला खुलवाया, शिलान्यास कांग्रेस ने ही किया ना, किया सब कुछ किया, ताला खुलवा करके शिलान्यास। बहरहाल ये बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी के है 2000, कांग्रेस पार्टी अब देखिए अब नहीं है ना। नहीं, कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, लेकिन कांग्रेस एक अलग व्यवस्था है, और मैं भारतीयता के नाते पूरे भारत की बात, अभी जो बात कर रहे हैं सुने, मैं भाजपा सपा और बसपा सबका सम्मान करता हूँ, हर पार्टियों का, जो अच्छा करेगा देश के लोकतंत्र के विषय में सोचेगा, देश के विषय में सोचेगा, वही मेरी पार्टी है, ये नहीं है कोई जरूरी। कांग्रेस गलत करेगा उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन आज जो ये जो हो रहा है देश के अंदर, ये देश के अंदर जो है आज ऐसा गेम कभी नहीं होता था, इससे अच्छा इमरजेंसी आप लगा दीजिए। हम नहीं जानते हैं बोल रहे हैं कहीं पर, हम कुछ नहीं जाएंगे, इनको सब कुछ जानकारी है क्या क्या बताया। इंटरनेशनल गुरु है, ये तो इंटरनेशनल गुरु है। पत्रकार महोदय डर तो ये हो गया, कहीं ऐसा न हो कि मेरे ऊपर भी EDCBI, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, मैं हूँ, EDCBI का छापा मेरे ऊपर भी पड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। आप बहुत घूमे हैं, लेकिन यह जवाब देने वाला कोई मिला नहीं, मिलते रहते हैं। आप ये बताइए, अमेरिका सुन लीजिए मानवर, एक बार अमेरिका जब इंदिरा गांधी को, जब पाकिस्तान के जो है उग्रवादी हमारे यहाँ आना शुरू किए, तो इंदिरा जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जा करके बोली जो है कि भाई हमारे यहाँ पाकिस्तानी उग्रवादी आ रहे हैं, इनके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? तो अमेरिका ने कहा कि देखिए आपका पड़ोसी मामला है, इसमें मैं हस्ताक्षेप नहीं कर सकता हूँ। हस्ताक्षेप न करके जब यहाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें इसने पैटर्न टैंक भेजा, दुनियादारी, रूस मेरा जो है सबसे सर्वप्रिय देश था, रूस को आज जो है बिल्कुल विभक्त कर दिया अमेरिका, अमेरिका की भी नीचे ही है, डिवाइडेशन की बात है, डिवाइड एंड रूट फूट डालो। आप बड़ा इंटरनेशनल गुरु ले गए आप, रुक जाइए थोड़ा, अरे अरे हम थोड़ा स्थानीय में आ जाए, थोड़ा थोड़ा लोकल में, अरे थोड़ा लोकल बोलवा रहे तो सुनिए, अरे नहीं मैं नहीं सुन सकता, आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। जयशंकर जी कहते हैं कि मेरी विदेश नीति बहुत अच्छी है, विदेश नीति का मतलब क्या है? एशिया महाद्वीप या विश्व में जो है ये हमारे देश पाठक जी, और लोग कभी आए देखे हा? ये भी आए, कहाँ से आए गुरु? हम जगिया से आ रहे हैं, टाइप करते हैं, आए आप लोग अब देखेंगे कहाँ टाइप करते हैं, कचहरी में, कचहरी में टाइप करते हैं, एफिडेविट हाँ टाइप करते हैं, और करने के बाद सुनाई नहीं देता, बहुत कम सुनते हैं। कोई बात नहीं, टाइप हुआ कैसे करते हैं, सुनते कम है तो टाइप कैसे करते हैं? नहीं तो हम टाइप लिखी हुई मिलती है, टाइप करते हैं, ये बात है ना। और ये सब हर राजनीति के विषय में यही जानेंगे हम लोगों के लिए, भैया तो भाजपा
ठीक सरकार अब तक रही है, चाहे अब तक सही रही है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हुई है, आने के समय में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रही है। देश की आर्थिक स्थिति अब बहुत ही खराब रही है, इस समय तो देश की आर्थिक बहुत अच्छी है। अब तो हम लोग कह रहे हैं कि तीसरी शक्ति में रूप में हम आना चाहते हैं। यह बात है बीजेपी से तो भाई सर्वहित हुआ है सबका, कोई व्यक्तिगत ढंग से का बड़ा बुराई करे उसकी बात अलग है। तो लोग ने भाजपा ठीक है और बाकी पार्टियों से ठीक है, और पार्टियों से ठीक है भाई, यह बात नहीं है। भाजपा के समय में कोई सरकार थी कि एक आदमी की विशेष थी तो ऐसी बात नहीं है, सर्वहित की का प्रकृति है वो। और ये जो लोग कह रहे हैं कि विरोधी दल के नेताओं पर ईडी सीबीआई यह चलती है तो राजनीति कर रहे, उससे हम लोगों से क्या मतलब है, वो लोग जाने अपना क्या मतलब है क्या नहीं है। हमारे से जनता, हम लोग जनता है, जनता के बीच में जो सरकार की नीति है अच्छी। मोदी जी का चर्चा, मोदी जी की चर्चा तो भाई हो ही रही है, इसी बात थोड़ा है मोदी जी की, यह बात नहीं है। आपका नाम क्या? इस बार भी मोदी जी का वाला विजय होंगे। आपका नाम क्या? हमारा तो नाम है विभूति नारायण पाठक। कहाँ पाठक जी, दो पाठक, एक पाठक दाए एक पाठक बाए। हमारे चचा ये हैं, हमारे चचा चाचा बाबा हैं। देखिए मेन चीज ये है ना कि कोई भी, आप ये बताइए कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, चुनाव हुआ नहीं, हम 400 के पार, हम 500 के पार, ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं सब सीट मेरी ही है। आप ये बताइए चुनाव के बाद एक आसार बोला जाता है ना, तो अभी तो अंदाजा नहीं लगाएंगे, अंदाजा नहीं लगा प्रजातंत्र का हमेशा। देखिए बीजेपी हारे चाहे जीते हर बार बोलती है इतना पार, बंगाल में कह रही थी 200 पार, यहाँ उतना पार, लेकिन पार नहीं जाती तो कह देती पार्टी पार्टी सब कहती है। लग रहा है 400 पार होगा, यह बात नहीं है, जब जब वोट जनता जब देगी तो वो विजयी होगी। 400 पार होगी कि नहीं? होनी चाहिए। हाँ ये तो कह रहे नहीं नहीं इसमें तो कोई नहीं है, यह बात नहीं है। तो जबकि भाई हम कह रहे हैं कि ये बताइए, हम जानते हैं कि हमारी 400 सीटें हैं, तो मैं ऑल इंडिया की तो सबसे पहले सीटों को जो है क्लियर कर देता, क्योंकि लड़ाका जो है वो पहले ही बोल देता है कि मेरी ये सीट है। चलिए देखें आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। क्या वीरेंद्र सिंह जी, आपका क्या विचार? अरे वीरेंद्र सिंह चंदौली से, वीरेंद्र सिंह सपा लड़िए कहा जो बाबा सपा लोकसभा क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे हमसे मतलब नहीं है। जो बाबा बोले कि राफेल खरीदने की क्या जरूरत है, अमेरिका क्यों इतना सुंदर सुंदर आविष्कार हथियार का करता है ये बताएं बाबा हमको, क्यों रूस जो है पैसा के लिए ना, हम भी तो टेक्नोलॉजी पर अपने हाथ, हम पहले खरीदते थे आज हम बेचने के कगार पर। की तो जो होड़ है वो इसी के लिए है, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अरे चाइना है, एक से एक आविष्कार कर रहा है, एक से एक हथियार का परमाणु बटवा कर रहा है, रूस कर रहा है, जापान कर, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उत्तर कोरिया के पास खाने के लिए नहीं है, एक से एक मिसाइल तैयार कर रहा है, क्यों कर रहा है ये बताइए हमको बाबा बताएं। देखिए ऐसा है, ये जो हथियारों की होड़ है और पूरी दुनिया में जो हथियारों को बेचने का सिलसिला है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सबसे बड़ा बाजार है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि देश की संप्रभुता एकता, बाजार से पीछे रहेंगे हम भी, बाजार में होड़ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एकता देश की प्रभुता अखंडता के लिए हथियारों का होना। पास राइफल है, मेरे पास स्टैंड करें तो आप डरेंगे कि नहीं हमसे डरेंगे? क्या जरूरत है डरवाने की? अरे वो लोग डरवा रहे हैं, चाइना अलग से आपके यहाँ बॉर्डर पर नाटक कर रहा है, उधर से वो नाटक कर रहे हैं, सब जो कर रहे हैं, पाकिस्तान परेशान, हथियार का होना पाकिस्तान तो खाने के मोहताज हो, क्या करें? खाने के मोहताज, लेकिन आपको परेशान कर रहा है कि नहीं? अच्छा कुछ हम लोग इस चकिया चंदौली में हम बैठे हैं जी, अभी यहाँ जो है पाकिस्तान चाइना यूनाइटेड नेशन राफेल के चर्चा के बजाय चावल गेहूँ का, अरे वो पाठक जी कहे हम इंटरनेशनल गुरु है, बताइए चावल गेहूँ का बात कर लिया जाए, आपका चंदौली चावल में एक नंबर धान का कटोरा उत्तर प्रदेश में, हाँ तो किसानों की स्थिति का क्या हाल? किसानों की स्थिति तो पहले से बहुत अच्छी है, ठीक है, हाँ एकदम अच्छी है। पहले जो है आदमी जो है कायदे से जो कुछ नहीं होता था, खाद सस्ता हो, यूरिया सस्ती हो गई, डाई सस्ता हो गया, फॉरेस्ट लोग कहते हैं यूरिया का 5 किलो कम कर दिया, उसके बाद भी जब 500 रुपया हम खरीदते थे यूरिया, 1700 रुपया डाई खरीदते थे, तो इस समय आज तो सस्ता है ना, 1300 रुपया डाई खरीदना है, 300 रुपया यूरिया, 5 किलो से काम हो गया, 150 रुपया। सरकारी खरीद हो रही,
सरकारी खरीद तो हो रहा है, बिचौलिया उसमें हो रहा है, सरकार कर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है, अधिकारी सब भ्रष्ट हो चुके हैं, कितना सरकार देखेगी कितना। अच्छा, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी में बीएसपी में सपा की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ रहा? भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि किसी की भी सरकार होगी, महंगाई किसी की भी सरकार आएगी, महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है नहीं? भ्रष्टाचार कोई मुद्दा, भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है किसी भी देश, हर देश में भ्रष्टाचार है, कहीं पे छिपा हुआ है कहीं पे ओपन है। तो हमारे यहाँ 2024 का क्या माहौल चल रहा है? माहौल वही मोदी 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 एकदम मोदी मोदी मोदी। एक बच्चा बच्चा से पूछिए, मोदी के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, किसी के चेहरे पर नहीं। यहाँ कोई ऐसा चेहरा जो सुरक्षित सीट है हम लोग का, चकिया जो रापटसगंज में पड़ जाता है, सुरक्षित सीट है चकिया रापटगंज में जी, पूरा तहसील एकदम जाता है चंदौली के कोने तक। अरे हम तो चकिया समझो कि महेंद्र पाड़े यहाँ से लोकसभा, एकदम समझिए कि बबूरी जो है। लोगों का इंटरेस्ट तो यहाँ वालों को चंदौली में ज्यादा रहता है। नहीं भाई, हम लोग की मजबूरी की सुरक्षित सीट, हम लोग का विधानसभा भी है, सुरक्षित सीट लोकसभा भी है। वैसे चंदौली में महेंद्र पाड़े का क्या रहेगा? अब वहाँ की स्थिति अब जो है टक्कर है, बाबू साहब लोग जो करेंगे वो वही होगा। बाबू साहब लोग कुछ खफा लग रहेगा? खफा कैसे रहेंगे, जो भाजपा के नाम पर लोग वोट देंगे ना, महेंद्र पाड़े को थोड़ा कोई वोट देगा। चलिए ठीक है, आप लोग बात की इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मैं आज चंदौली जिले के ग्रामीण इलाकों में ये जानने के लिए कि माहौल क्या है आया हूँ। एक दूसरी पान की दुकान पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहीं से मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। नहीं है, मिर्जापुर है सर। देखिए कोई बात नहीं सर, मिर्जापुर है। ये जिला बदल गया क्या? नहीं नहीं सर, मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर जिला है ये। अभी पीछे चंदौली बॉर्डर उधर है, चंदौली उधर है, जमालपुर है ये, जमाल मिर्जापुर का जमालपुर ब्लॉक थाना है। कोई बात नहीं है जी जी सर। तो लोकसभा कौन सी सर? ये मिर्जापुर लोकसभा है, अनुप्रिया पटेल जी का। और पल्लवी पटेल भी सुन रहे लड़ रही? अब हमको सर जानकारी तो नहीं है। और ये इलाका किन लोगों का है? कुर्मी पटेल बाहुल्य एरिया है मेरा ये। तो कुर्मी बाहुल्य एरिया पटेल लोगों में जी, अनुप्रिया पटेल का भी माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है, बम्पर रोटों से जीत रही हैं। पल्लवी पटेल का भी कुछ है योगदान? नहीं, उसमें बहुत कोई योगदान तो नहीं है उनके आगे, उनका कोई योगदान बहुत नहीं है। अनुप्रिया पटेल के साथ अभी पटेल लोग ज़्यादा हैं? एकदम बम्पर सर, बम्पर रोड से जीत रही हैं। किस वजह से? अरे भाई है, काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। और पल्लवी पटेल भी तो हैं? नहीं हैं, वो भी हैं, भानी हैं, लेकिन बेटर हैं वो, संभ्रांत महिला हैं, मेहनती हैं। इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन से सर कोई कोई लाभ नहीं है, यहाँ मिलने वाला नहीं है लाभ। हेलो जी, तो पल्लवी पटेल का सब सही है? अरे सॉरी, अनुप्रिया पटेल का सही है। पटेल लोग भी सब साथ? जी 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 एकदम। और बाकी ग्रामीण इलाकों में चर्चा क्या है? सब बढ़िया है, सब हर जगह सब श्रीराममय है सर। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। क्या माहौल है गांव देहात में? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल ठीक है। यहाँ तो अनुप्रिया ने है। हाँ तो है, वो मालूम बाकी अनुप्रिया है। अब तक कोई पता नहीं है अनुप्रिया के बारे अभी भाई, चर्चा जब आज नाम हो तब ना। ये तो अपना दल से हुआ नहीं के अनुप्रिया पटेल? अनुप्रिया पटेल तो है बढ़िया से, पहले ही से दो बार सांसद हो चुकल बने, तीन बार, तब उनके तो सब ही जनता है ना बा। अब एक बात के आई तब ऊपर विचार कर जाई। तो अभी का माहौल का? अरे भाई अभी तो अनुप्रिया पटेल का माहौल बा, और जब कोई सामने आई तो ऊपर विचार कर जाए कि के देहल जाए। अरे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा था कि कैंडिडेट के नाम पर? हाँ तो भाई मोदी जी तो विख्यात है बना, मोदी जी तो विख्यात है बना, मन कौन दूर है बात। कहा कहता हूँ आदमी कहता हूँ कि सब जोन राजनीतिक विरोधी हो उनके किया ईडी सीबीआई भेज देते हो। हाँ भाई, एक तो ऊंची राजनीति है, करे विषय में हम नहीं बता सकते कुछ। हाँ अब हम, हाँ अब हम हाँ करे विषय में ना बता पाई। तो सरकार के काम मोदी जी के सरकार के तीसरी बार आवे लायक हो? गांव देहात में का चर्चा? नहीं आवे लायक हो ये बात नहीं है कि नहीं आवे लायक हो। हाँ आवे लायक हुआ मोदी जी। हाँ आएगा अपना दल यहाँ से, रुपया पटेल जीतेंगे। ये विपक्ष वाले जो घेराबंदी कर रहे हैं कोई दम है वहाँ का? वो तो उनका मामला है ना, यहाँ थोड़ा मामला चल रहा है।
कहाँ है? दिल्ली में ना है, यहाँ थोड़ो है, मिर्जापुर में थोड़ो उनका मामला है, EDCD वाला उधर दिल्ली का मामला है, वहाँ राजधानी का मामला है, राजधानी में तय करेंगे बड़े नेता की जनता तय करेगी। नहीं नहीं, हम ही कह रहे हैं कि गांव देहात में उसकी कोई चर्चा है? उसका कोई चर्चा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई चर्चा है नहीं, ये सब कहा जानता है, वो तो बुद्धिजीवी वर्ग जानता है, दिल्ली की जनता जानती है ना, यहाँ हम लोग क्या जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसा कैसा होता है, आप क्या करते हैं? ये तो जनता जानती है कि कौन काम करता है विकास का। आप क्या करते हैं? खेती के बारे काम करते हैं, फार्मिंग। चलिए ठीक, मैं अब थोड़ा कुछ और जगह चलता हूँ। अरे हम मानो कहीं में हो तो कोनो फजीहत तो नहीं कहा है? कौन फजीहत हो, जहाँ जहाँ गांव देहात में आदमी बैठल रहे ना चाय पान के दुकान पर, हम वहाँ पहुँच जाए लोग बातचीत करें। अरे बाबू हमने बतिया ये कहीं लगाते हैं? यही पा वजिया यही में आई ना, कोई दिक्कत ना हुई, बोलिए ना। अरे हम बोल चुके हूँ ना ना बाबू, हाथ जुड़ा। एक बात बताओ, मोदी जी का सरकार के कैसन काम काज है? एक ही है बताइए, उनके काम काज के भी बता पी पुरान हमसे हुए। 500 रुपया जो मिला था वो ठीक है ना? कहाँ हमके तो मिलते नहीं, तो हम कहा जाने 500 रुपया मिले कहाँ, हमें मिला था जनता के मिलत तो किसानों के कहाँ मिला था भैया, कहाँ मिला था? अरे के वृद्धा पिल्ची लाल वो बंद हो गए, वृद्धा पिल्ची ने क्या होता वो बंद हो गए, 1000 हो गया। अरे हमको एक को पैसा नहीं मिला, अरे ना ही मिला था कोई बंद हो गए, एक आदमी बोलो तुम बोले का। अरे कद अच्छा अनाज गांव में अनाज तो मिला था सबके? हमारे कार्डन आई बनल तो हमें अनाज कहाँ से मिली? जैसे हम यहाँ आई है हमारा राशन कार्ड नहीं बनल तो सरकरिया कैसे ने बताइब मोदी जी का चाहे योगी जी का? अरे सरकरिया तो जब सब बढ़िया कहते तो हम कहीं कहीं की खराब है, बढ़िया बात जोन बात हो, बाकी तो हमारे हमें तो नहीं मिलत हो। आए अखिलेश राहुल मायावती ये लोग के बारे में कुछ विचार है? हम सब से क्या मतलब है, अखिलेश राहुल से मायावती से जेकर सरकार बा उसे मतलब बा, कि अखिलेश और राहुल और मायावती से कौन मतलब हो? मोदी का सरकार मोदी से मतलब बा, कि अखिलेश राहुल से कौन मतलब हो? तो तीसरी बार मोदी जी आई हैं कि नहीं? अहिले बोलो तो गुमन कौन फरक फरक वाला हो, सरकार उन लोग आ गई ले हो। हाँ ओकर वजह का है? वजह कौन सी बा, उनका सरकार बा कुल नहीं का हाई समान तो कुल सुविधा दे ले बाना, यह ना सब कहत बा, यह ना सब कहत बा कि हाई पैसा मिलत बा तो राशन मिलत बा, 5 किलो चावल मिलत बा, यह कुछ सुविधा बा, और कुछ चीज महंगाइए बा। को आप बताओ आपके हिसाब से क्या लगत? सब सही लगत हूँ, जितना बोलत हूँ सब अच्छा बोलत हूँ लोग। तीसरी बार के सरकार में कोनो नहीं, कोनो कमी नहीं रहे, आज भी कोनो कमी ना हो, पहले की सरकारन से ही सरकार अच्छी है, सही चल रहा है। अरे लोग जो कहते विरोधी दल वाले? हाँ बिल्कुल, हम ना बात बता सकब, हमने देहात कराए भाई, हमने बात ही कुल ना बता सकल जाए, काम कुल अच्छा होत हो, मोदी जी का कारोबार बढ़िया चलत हो, हम लोग खा जिए थे जा, ये कि पैसा वैसा हमने के मिल ना, जितना मिले चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, कुल चमचे लोग खा जा रहे हैं, हम लोग के घर पर नहीं आ रहा है। पैसा कौली जो ऊपर से मोदी जी भेज रहे हैं, बीच में पैसा आ रहा है मगर हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो कहते जितना हम है सब अकाउंट में डाल दे रहे हैं? अकाउंट में अभी परसों नरसों के लिए अभी पैसा नहीं आया मेरा। किस चीज़ का? ये जो 2000 रुपया मिलता है अभी पैसा नहीं आया है। अकाउंटों में तो आपके डायरेक्ट आता है ना? हाँ तो डायरेक्ट आता है, मगर हम गए पता लगे, मैं कहे कि अभी नहीं पैसा नहीं आया है मेरा। रुक जाए चुनौवा आई तब ना आई। तो जो भी है जो बात कह रहे हैं सफाक बोल रहे हैं, हम लोग को उम्र हो गया, पिल्सिम बनना चाहिए, पिल्सिम नहीं मिल रहा है, बनवाइए आप लोग। तो मोदी जी के सरकार के कौन काम बढ़िया?
राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रोड बन रहा है, चक्रोड बन रहा है, नाली बन रहा है, काम कुल ओके है, मगर ये कि महंगाई है चरण सीमा पर जा रही है। हम लोग साग सब्जी खरीदने में परेशान हैं, कमाई धमाई कमज़ोर हो गया है, हर सामान महंगा हो गया है। आलू 20 रुपया किलो हो गई, दाल 150 रुपया हो गया, और जो चाय पानी पूरी महंगी हो गई। अब यहाँ बैठे हैं हम लोग, खाने में असमर्थ हैं, खाने में असमर्थ है, पैसा नहीं जेब में है कि खा सकें हम लोग, इतनी महंगाई आ गई। एक चाय पीने के दुश्वार हैं हम लोग, और तो कारोबार मोदी का ठीक है। आप कुछ नए उम्र के लड़के भी हैं, आप बताओ बाबू आपका नाम क्या है? कुछ नहीं सर, जाने दे। अरे इधर आओ यार, पढ़ाई लिखाई करते हो कुछ लिखाई है? तुम्हारे 30 साल के नीचे के लड़के देश में एक तिहाई है, उनकी राय बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हो मोदी जी की सरकार के बारे में, आपका क्या विचार है? हम क्या बताएं, जो भी हो रहा सही हो रहा है। अच्छा क्या करते हो ये तो बताओगे? जॉब करते हैं। प्राइवेट? सरकारी? सरकारी के लिए कोशिश? कुछ नहीं, वो 10 साल हो गया, अभी एक भी वैकेंसी निकली नहीं है। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, ठेंगा कर रहे हैं, क्या करें बताइए। जिस समय आए थे उसमें 600 रुपये 500 रुपये गैस सिलेंडर हुआ करता था, 250 रुपये सब्सिडी आता था, 70 रुपये पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपये, क्या बताएं, जाइए आप लोग। अरे बताओ यार। अरे क्या बताएं सर, वही तो बता रहे हैं कि जो हर एक ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि उसका जो MRP तो बढ़ गया, उसका सामान कम हो गया, तो यही सब बातें हैं। भाजपा इस बार आएगी तो 1500 रुपये गैस सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। भाई जो खर्चा हो रहा है आपको पता है, 6 लाख करोड़ रुपये इस चुनाव में खर्चा होगा, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव इंडिया में होने वाला है, 6 लाख करोड़ का। आपको पता है पैसा कितना होता है? पता है आपको कितना पैसा होता है बताइए? अरे बहुत यार, अब कितना गिन के बताएं, 4 लाख करोड़ कितना है? हम समझ गए 4 लाख करोड़। हाँ तो वही सर, जो मोदी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुनौवा महंगा कर दिए क्या मोदी जी? मोदी जी महंगा जब उधर जब भिड़ाएंगे, उधर लेंगे तो इधर भिड़ाएंगे भैया, उधर जब देंगे तो उधर इधर तो लेना ही उनको है, चाहे इधर से ले चाहे उधर से ले, उनको सत्ता में आना है, चाहे इधर ले चाहे उधर ले, कर भाई। अरे अच्छा सुने नहीं हो क्या बोल रहे हैं कि कुछ उनको पता ही नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं कुछ, उनको इंटरनेट का तो कुछ बारे में पता है नहीं, पेपर ऊपर पढ़ते नहीं है, तो उनको क्या पता है, उनको क्या पता, बस राशन मिल रहा है 5 किलो, बस वही उससे खुश रहे, और साबुन शैम्पू दाल चीनी आटा घी तेल कम हो गया, पैसा उसका बेसी हो गया, जनता समझी नहीं रही है। और जनता तो मूर्ख है, ऐसा बात नहीं है, जनता मूर्ख है। अरे भैया क्यों नहीं है बताइए। हम जब मोदी जी आए थे तो बोले थे कि गरीबों को हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या बोला बाबू कि हा? मीडिया है आपको फंसाते ही रहेंगे, और क्या हमको आप मतलब बाद में फंसाते रहेंगे और बात बढ़ाते रहेंगे, और क्या बोले हैं? अरे यार हम पूछे नहीं, उनसे पूछ तो रहे हैं कि तुम्हारे हम वही बोले ना, मीडिया मतलब बाद में बात बढ़ाते ही रहेगी, हम क्या बोले हैं? नहीं बोलो यार, आपको गलत भी बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने दिल की जरूर बोलो, मोदी जी की सरकार उनके काम के बारे में तुम क्या मानते हो? हमारे लिए मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। और बोलिए, और पूछिए, आप पूछिए ना, इन लोगों को सुने हो मत कहीं क्या कर रहे हैं, पता ही कुछ नहीं है भैया। अगर आप युवा को क्या किए हैं मोदी जी, आप बताइए युवा को क्या किए हैं, आप बोलिए कि मोदी जी युवा को क्या किए हैं? अरे वो कहते नहीं है, इतना लोगों को EPFO का आंकड़ा देते हैं कि इतना लोगों को नौकरी मिल गई, स्टार्टअप कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पुलिस की जो है कि अथवा पेपर लीक हो गया, ये क्यों हुआ? मतलब ये पैसा ही लूटने का तरीका बनाया है ना, लीक करने का। पेपर तो यहाँ UP में लगातार लीक हो रहा, अभी कांस्टेबल वाला हुआ ही,
एसआई में भी था, लीक की बात हुई थी, उसको माना ही नहीं। वही तो 400 जो है कि 400 का मतलब पेपर आप जो है कि गरीब भर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, वो भर रहे हैं कहाँ से, गल्ला कर रहे हैं, गल्ला बेच कर ले रहे हैं, कहाँ से कर, वो कैसे कर रहे हैं, आप उसको लीक कर दें, उसका तो 400 बर्बाद हुआ, कई करोड़ रुपया आप तो रख लिए, उसका चुनाव में उपयोग करेंगे, उसी पैसा को बच्चे चुप। क्या क्या लग रहा है आपको कि तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार जो भी आएगा हमसे उससे नहीं मतलब है, हमको जो चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा है, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रहा है। आप अकेले ही है कि आपको मिलेगा भैया? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मोदी जी फिर आएंगे। क्या वजह? तीन बार नहीं चार बार नहीं, वो हमेशा के लिए मोदी ही रहेंगे। क्यों? अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो योगी जी आएंगे, योगी जी नहीं आएंगे तो अभी शाह जी आएंगे, लेकिन आएंगे, यही लोग आएंगे। हाँ, यही लोग आएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? समीकरण वही है, समीकरण वही है। क्या समीकरण? हालात वही है, सभी लोग वोट कर रहे हैं भाई, तो आना ही तो पड़ेगा ना। आज पूरा इंडिया के लोग भाजपा ही हो रहे हैं, तो भाई चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर एक लोग दो लोग देने से नहीं, तो सभी लोग तो भाजपा ही हो गए। मोदी जी को आना ही पड़ेगा, चाहे वो बेईमानी करे चाहे वो ईमानदारी करे। चलिए ठीक है, नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार 1500 हमको गैस चाहिए, 150 रुपया पेट्रोल, और जो ये सामान जो इस सब देख रहे हैं इसमें, और सामान मटेरियल कम दाम और उचित चाहिए। बोल रहे हैं। हाँ सुनो यार, आप क्या करते हो? जी हम तो मतलब घर रहते हैं। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अरे हम जानने आज निकले थे गांव देहात में कि ये चुनाव को लेके गांव देहात में क्या माहौल है, मोदी जी को लेके क्या माहौल है? मोदी जी काम तो कुछ कर रहे हैं, जमीन पर जमीन पर काम कर रहे हैं, बस खाली हवा हवाई चल कर रहे हैं इनका, मतलब बस खाली पूंजीपतियों को बना रहे हैं, गरीबों कुछ कर नहीं रहे हैं, सब चीज़ डीजल पेट्रोल सब महंगा कर रहे हैं, कोई तो सस्ता नहीं हुआ, गैस 400 से लेकर 1200 हो गया, 1100 हो गए, यही सब है। अभी आप आए थे, देखिए ये तीन बुजुर्ग से मैंने बात की, इन तीनों ने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, एकदम काम बढ़िया है, सड़क बन रही है, देश का विकास हो रहा है, हर जगह नाम हो रहा है, नाली बन रहा है, युवाओं को नौकरी मिले, तब ना जाने युवाओं को नौकरी की जरूरत है, मंदिर मस्जिद जरूरत नहीं है, रोड रास्ता बन रहा है अलग की बात, लेकिन युवाओं को नौकरी चाहिए ना, जो वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी के लिए, कहाँ लोगों को मिला, पेपर लीक हो रहा है, हाई स्कूल का पेपर लीक हो जा रहा है, बताइए हाई स्कूल का पेपर लीक हो जा रहा है, अब बताइए, और हमें गरीबों कुछ हो नहीं रहा है, हर चीज़ महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, आप कुछ कोई चीज़ ले लीजिए, तेल रिफाइंड कोई भी ले लीजिए, सब चीज़ बढ़ती जा रही है। महंगाई भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है चुनाव का? बिल्कुल मुद्दा है, युवाओं को नौकरी दे सरकार, नौकरी दे नहीं रही है। कौन सरकार पार्टी सबको नौकरी दे दी? नौकरी तब लीक कहाँ पेपर हो रहा है बताइए, हर पेपर तो लीक हो जा रहा है, हाई स्कूल पेपर लीक हो रहा है बताइए, हाई स्कूल पेपर लीक होना चाहिए, सब पेपर तो कोई लीक नहीं होना चाहिए। हाँ तो वही पेपर लीक हो रहा है, बताइए युवा सब निराश है, नौकरी की उम्मीद नहीं कर रही, युवा क्या करें, इधर क्षेत्र के काफ़ी युवा आर्मी उर्मी में दौड़ते हैं, बगल में ग्राउंड है आर्मी ग्राउंड, उजागर भैया का वहाँ काफ़ी लोग दौड़ते हैं, लेकिन नौकरी की उम्मीद नहीं है, आप ही बताइए नौकरी कैसे मिलेगा, युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी मिल नहीं रहा है। अच्छा चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया, समय ख़त्म हो गया, माहौल क्या हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर गाँव गरीब ग्रामीण इलाकों से हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। आज तो मैं कई जिलों में गया, चंदौली, मिर्जापुर। को पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं, UTL सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। Genex, चलो अपनी चाल। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं। कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है। कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी। सपने हर किसी के दिल में होते हैं, मगर उन्हें हकीकत बनाने के लिए लगातार प्रेरणा, मजबूत हौसला, सही मार्गदर्शन और मजबूत रिश्तों की जरूरत होती है। DMC स्कूल जानता है कि सपनों को पंख कैसे लगाए जाते हैं। उड़ान भरे DMC स्कूल के साथ।
पूरी दुनिया में भारतीय मसालों को पहचान दिलाने वाले महर्षि दयानंद के परम अनुयायी नित्य यज्ञ कर्ता कर्मयोगी पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल जी के जन्मदिन पर MDH परिवार आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता है।